सब भाइया ना राम राम भाई। सुबह सुबह कूलर की गाड़ी जो है ना सेट करने लग रही। हाँ, और ये मुसी आई है भाई कुर्ता पजामा का कपड़ा लेके। और भाई गर्मी इतनी भयंकर होगी, कल जो टेम्परेचर था ना अपना 50 डिग्री का आसपास टेम्परेचर था, तो ये जो घास है ये बिल्कुल पुराना हो गया था और ये फिलहाल जो है ना नया घास लगा रहे हैं, तो ये बांधना पड़ा है। ये न्यू जिस तरह एक जगह थी वो बांध दिया। राम राम भाई, राम राम। हथौड़ा ले रही से क्यों न क्यों कार्रवाई करा सा। तो भाई कई लोग इसे हैं उन जो कूलर की जाली है ना वो सेट को निकलनी आवा, तो मैं आपको सिखाता हूँ कि कूलर की जाली कैसे सेट की जाती है और उसमें घास किस तरह लगाया जा। यो भाई, ये जिस तरह ये ज्वाइंट दे रखे ना, एक ज्वाइंट, दो, तीन और चार, ये इस साइड ने जो है ना नुके नु बांधने पड़े हैं तारते या रस्सी ते। अगर इसने आप इस उत्तरी दाँत नहीं बांधेंगे ना तो पानी का वजन ते और अड़ंगा फंस जाए ना इसमें, तो ये नीचे लटक जाए। ये जाली में जो है ना भाई रेत नहीं फंसना चाहिए, इसका मतलब यो है कि बिल्कुल साफ सुथरी रहनी चाहिए। अगर इसमें रेत अड़ंगा फंस जाएगा ना तो हवा नहीं खींच सकेगा कूलर अपने प्रेशर ते, और फिर ठंडी हवा नहीं बनेगी, गड़ भी जा है। वो घास बहुत जल्दी गड़ जाए है, जिस तरह एक सीजन में एक कबर चल रही हो। तीनों जो जालीहीन का घास 100 रुपया का आया है भाई, महंगा 20 रुपया ही, 20 या 60 रुपया ही, 100 रुपया में बिकते हैं। और यो बिल्कुल साफ सुथरा होगा ना, जिधर कूलर कूल कूल हवा देगा ठंडी ठंडी। तो भाई लेर काला पकड़िए दे हैं, एक बार मैं एक बार सेट करके दिखाऊं सुनके। हाँ, तो वह इतने दिए दे प्लेट इतने यो कट दिया। ये भी इसमें भाई जिस तरह यार सुई यो हथियार सत्ती है भाई, यो इसका मां का इस साइड न देंगे और इस साइड न सुई निकल आओगी और इस साइड का निकाल देंगे और इस जगह न्यू निकाल के गांठ लगा देंगे। तो ये गांठ लगने के बाद में जो हल्ला को निकालना, यानी कि घास हल्ला को निकाल और गांठ हमारे पास क्या कर। तो भाई न्यू जो है ना दिखा रहे को अच्छी तरह दिखा, न्यू जो है ना इसका गांठ लगाई जा है और यह इतने देंगा काट, जब जाके इसकी सेटिंग बैठा है भाई। अपना काम यो है सही कम है सोई, तो भाई तार हो ना तार है, वो भी काम देते हैं, तार भी बढ़िया काम देते हैं, लेकिन ये तार वाला सिस्टम कराया को नहीं, अपना जर बहुत ज़्यादा है। चाहे तार लगा ले चाहे कपड़ा लगा ली हो, जर ऑटोमेटिक अपना आप खत्म करते हैं। तो भाई इस प्रकार जो है ना यह जाली सेट करी जा है और इसके ऊपर भाई सुराग हो, ये सुराग देख लो, ये सुराग जो है ना ऊपर ले सुराग खोलने सब तो जरूरी है, नहीं तो पानी जो है ना बराबर एक लेवल में जाली मत नीचे को नहीं पड़ना, तो इसलिए ये सुराग भी खोलने जरूरी है। कई भाई कह रहे हैं नया घास जरूर लगा दे हैं लेकिन ये जाली को नहीं खोलना, तो वो एक का है जिस तरह यो सुराग है इस साइड में पानी इसी जगह, फिर इस साइड में इसी जगह, पूरी जाली जो है ना साफ को नहीं होना, वो पूरी जाली में पूरे घास में पानी को नहीं आवाना, तो इसलिए कूलर फिर हवा भी कम ठंडी बना हुआ है, तो घास में पूरे में मतलब जो है ना पानी आवा, इसलिए ये सारे सुराग जो है ना ये देखिए छोटे छोटे सुराग दे रखे भाई, दाउन दिखाऊँ ये सुराग ऊपर ले सुराग खोलने सब तो जरूरी हूँ।
और भाई हर साल नई जाली बदलनी चाहिए, क्योंकि जब इस जाली में रेत भर जाएगा ना तो हवा नहीं बढ़ेगी अंदर की तरफ, और कूलर जो है ना हवा भीतर की तरफ नहीं खींच सकेगा, तो या साफ और सुथरी होनी चाहिए जाली। तो भाई ये जानकारी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।